2017 सिनेमा जगत के लिए बहुत खास रहा। इस साल कई ऐसी फिल्में देखने को मिली जिसने दर्शकों को गुदगुदाया भी और फिल्मों ने दर्शकों के आंसू भी निकाले। इस साल कई अलग अलग तरह की फिल्में रिलीज हुई जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमाया। तो चलिए आपको बताते हैं 2017 की टॉप 10 मूवीज के बारे में इस खास रिपोर्ट में। इस साल की सबसे धमाकेदार फिल्म बाहुबली 2 रही। इस फिल्म ने दर्शकों के बीच अपनी ऐसी जगह बनाई कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। ये फिल्म 100 नहीं, 200 नहीं बल्कि 300 के क्लब में शामिल होने में कामयाब रही। टॉप 10 मूवीज में टाइगर जिंदा है का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही ये फिल्म अभी रिलीज हुई हो लेकिन इस फिल्म ने बाहुबली को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों को पछाड़ दिया है। सलमान की इस फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। देश की इज्जत की बात है। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन ने भी सफलता के झंडे गाड़े। इस फिल्म ने इस सीरीज की बाकी फिल्मों की तरह बड़ी कमाई की। फिल्म ने 200 के क्लब में जगह बनाई। कुछ नहीं बदला यार, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। शाहरुख खान की क्राइम थ्रिलर फिल्म रईस ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 139 करोड़ की कमाई की। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में यह चौथे नंबर पर है। टॉयलेट एक प्रेम कथा ये इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल है। अक्षय कुमार की इस फिल्म ने 133 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। बड़े पर्दे पर ऋतिक की फिल्म काबिल ने भी अच्छा कारोबार किया और दो नेत्रहीन लोगों के बीच की प्रेम कहानी को बयां करती ये फिल्म काबिल ने 126 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की। अंधेरा अंधेरे को रोशन तो नहीं कर सकता रोहन। तो फिर साथ हम तुम। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर खासा कमाल दिखाया। ये साल की बड़ी हिट में से एक है। इसने 117 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इसमें दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है? आई विल सी यू इन बद्रीनाथ की दुल्हनिया इस साल बड़े पर्दे पर युवाओं को खासा पसंद आई। वरुण धवन और आलिया भट्ट की इस फिल्म को दर्शकों ने काफी सराहा। इसने 116 करोड़ 60 लाख रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमाए। इस साल अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों में फुकरे रिटर्न्स भी शामिल हैं। पिछले पार्ट की तरह ऋचा चड्ढा और पुलकित सम्राट की इस फिल्म ने खासा कमाल दिखाया। फिल्म अब तक 70 करोड़ 46 लाख रुपए कमा चुकी है। इस साल की टॉप 10 फिल्मों में श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर की रोमांटिक फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड भी शामिल है। चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म ने 60 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की। खो जाए हम उसे दुनिया के कोने पे कोने से खोज निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे उसे। तो यह साल फिल्मों के लिए एक प्रयोगात्मक साल साबित हुआ जहां दिलचस्प और नए फिल्म तो यह साल फिल्मों के लिए एक प्रयोगात्मक साल साबित हुआ जहां दिलचस्प और नए विषयों ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रही।